लगभग 150 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी ये कहानी, जब पृथ्वी डायनासोर युग की समाप्ति के दौर से गुजर रही थी। उसी समय ये अनोखा और मोटी कड़ी तथा पपड़ीदार चमड़ी से ढका जीव भी अपने अस्तित्व को बचाने हेतु संघर्ष कर रहा था, और आज करोड़ों साल के बाद भी इस जीव का अस्तित्व में होना एक आश्चर्य है। ये कहानी है एक अनोखे जीव घड़ियाल की, जो मगरमच्छ की ही प्रजाति का एक जीव है। भारत और यहां की संस्कृति तथा पौराणिक कथाओं में गंगा नदी को देवी का स्थान दिया गया है और घड़ियाल को उनका वाहन माना गया है। विश्व में मगरमच्छ अथवा क्रोकोडाइल की 23 प्रजातियां हैं, जिसमें भारत में केवल 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्वच्छ जलीय मगर, खारे पानी का मगर और घड़ियाल। आज से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व तक घड़ियाल भारत, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश एवं भूटान के नदियों में पाए जाते थे, किंतु वर्तमान समय में ये प्राकृतिक रूप में केवल भारत और नेपाल की कुछ ही नदियों में जीवित हैं। उत्तर प्रदेश में मगरमच्छ की कुल 2 प्रजातियां मगर एवं घड़ियाल ही पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल केवल राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार तथा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार में ही प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी केवल यहीं पर ही ये प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। घड़ियाल एक काले भूरे मटमैले रंग का लंबी एवं पतली थूथन वाला मछली खाने वाला सरीसृप है। इसका शरीर बेलनाकार होता है। वयस्क नर के थूथन के ऊपरी किनारे पर घड़े के आकार का एक उभार होता है, इसीलिए इन्हें घड़ियाल कहते हैं। घड़ियाल की जीवन की अवधि लगभग 40 वर्षों से 60 वर्षों तक की होती है। ये मुख्यतः तेज एवं मध्यम बहाव वाली नदियों में ही वास करते हैं। घड़ियाल मगर से पूर्णतया भिन्न होते हैं। लोगों में ये भी भ्रांति है कि घड़ियाल को ही अंग्रेजी में एलिगेटर कहते हैं, जबकि घड़ियाल और एलिगेटर 2 पूर्णतया भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं तथा एलिगेटर भारत में नहीं पाए जाते हैं। इनके अंडे देने के स्थान पर मनुष्यों के हस्तक्षेप तथा खेती एवं बालू खनन आदि कारणों से इनके सुरक्षित अंडा देने के स्थानों की कमी हो गई है। विभिन्न अंडाखोर जानवरों द्वारा इनके अंडों को खा लेना भी इनकी संख्या के कम होने का एक कारण है। इनकी निरंतर गिरती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सन 1975 में लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। घड़ियाल के अंडों को उनके प्राकृतिक वास स्थलों से एकत्र कर कुकरैल केंद्र में कृत्रिम इंक्यूबेशन द्वारा हैचलिंग निकाले जाते हैं, जिन्हें 2 से 5 वर्षों तक केंद्र में रखने के पश्चात पुनः प्राकृतिक प्रवास में विमोचित किया जाता है। ये एक सुखद बात है कि आज इस केंद्र में ही जन्मे शावक जो वयस्क हो प्रजनन कर
अंडे दे रहे हैं तथा इन्हीं के शावकों को यहाँ रखकर पुनः व्यवस्थापित करने का कार्य जारी है। वर्ष 1975 से ही उत्तर प्रदेश वन विभाग के लुप्त प्राय परियोजना ने कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र में जन्मे लगभग 5,500 घड़ियालों को देश की विभिन्न नदियों में विमोचित किया है। इसके अतिरिक्त देश और विदेश के विभिन्न चिड़ियाघरों में भी भेंट स्वरूप भेजे गए हैं। वर्ष 2014 एवं 2015 में टर्टल सर्वाइवल अलायंस के साथ मिलकर क्रमशः 62 एवं 65 घड़ियालों को चिन्हित कर घाघरा नदी में हार्ड तथा सॉफ्ट रूप से विमोचित किया गया है। इन घड़ियालों में कुछ पर रेडियो ट्रांसमीटर भी लगाया गया है तथा उन पर लगातार निगरानी रखते हुए उनके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। घड़ियाल हमारे जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का एक अति आवश्यक हिस्सा है। घड़ियाल का किसी नदी तंत्र में होना उस नदी की स्वस्थ पारिस्थितिकीय संतुलन को दर्शाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रागैतिहासिक एवं अद्भुत जीव को बचाने में अपना योगदान दें।